जब आप कोई ऐसी चीज करते हैं जो बहुत सजग है, तो आप पाएंगे कि उसमें एक नशा है। मैं आप सभी को मदहोश कर सकता हूं, क्योंकि नशा बाहर नहीं है, नशा आपके अंदर है। अगर आप मुझे देखें तो आपको लगेगा कि मैं नशे में हूं, है ना? अगर आप मुझे देखें तो आप सोचेंगे कि मैं नशे में हूं, है ना? बस मुझे देखिए। यह मेरे साथ कई बार हुआ है। लोग जो हिमालय और बाकी जगहों पर इन चीजों का सेवन करते हैं, वे हमेशा मुझे बुलाते हैं, क्योंकि जब वे मुझे देखते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं जरूर नशा करता हूं। हमें यह समझना होगा, हम जो भी रसायन अपने शरीर में डालते हैं, चाहे इस रूप में या उस रूप में, चाहे जैसे भी, दरअसल वो सिर्फ हमारे भीतर किसी चीज को उत्तेजित करता है। वो अपने आप में हमारे साथ कुछ खास नहीं कर सकता। सिर्फ वैसी चीजें जिनसे आप पूरी तरह से नींद में चले जाएं, जैसे कोई एनेस्थेटिक, वे अलग तरह से काम करते हैं। वे पूरी तरह आपको धराशायी कर देंगे, मगर बाकी सभी चीजें जिनमें किसी तरह का अनुभव होता है, वे सिर्फ आपके अंदर किसी चीज को उत्तेजित करते हैं। अब सवाल है, आप सेल्फ स्टार्ट हैं या पुश स्टार्ट? अगर आप जानते हैं कि खुद को उत्तेजित कैसे करें, तो आप यहां बड़े आनंद में बैठ सकते हैं, वरना आपको बाहर से कुछ डालना होगा। शिव, जो इतने अपंग नहीं हैं कि उन्हें बाहरी रसायनों की जरूरत हो, वो मदहोश थे, इसमें कोई प्रश्न नहीं है, मगर किससे, ये अलग बात है। वो नशीले पदार्थ का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो खुद नशा है। तो मैं आपके लिए इसे संभव बना सकता हूं, अगर आप एक खास तरह से मेरे साथ रह सकते हैं, तो मैं आप सभी को मदहोश कर सकता हूं, क्योंकि नशा बाहर नहीं है, नशा आपके अंदर है। तो जो लोग शिव की नकल करना चाहते हैं, उन्हें पहले स्थिर बैठना चाहिए 3 महीनों तक, और फिर शायद वे धूम्रपान भी कर सकते हैं। ऐसा हुआ, आदि शंकर चल रहे थे, वो जरूर बहुत तेज चलते होंगे, क्योंकि 32 की उम्र तक वे गुजर गए थे। उससे पहले 12 से 32 की आयु में उन 20 सालों में उन्होंने कई बार भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक की यात्रा की, उत्तर से केरल, बद्रीनाथ तक जाकर वापस, और पूर्व पश्चिम सब कुछ। वे जरूर बहुत तेज चलते होंगे, क्योंकि वो एक छोटे से जीवन में ही इतना चल लिए थे, और बीच बीच में उन्होंने हजारों पन्नों के ग्रंथ भी लिखे। वे ये सब लिखने के लिए कहीं बैठे होंगे, तो वो बहुत तेज तेज चल रहे थे। उनके पीछे उनके शिष्यों का एक समूह धीरे धीरे दौड़ रहा था। फिर उन्होंने एक गांव के बाहर देखा। उन दिनों में भारत में 25-30 साल पहले भी ये शराब की दुकानें, देशी शराब, आप जानते हैं, आम तौर पर वो ताड़ी होती थी, वे गांव के बाहर ही होती थी, उसे कभी गांव में नहीं लाया जाता था। अब वो गांव में, आपके घर के बगल में, आपके बच्चे के स्कूल के सामने वे शराब बेचते हैं, यह अलग बात है। उन दिनों वो हमेशा शहर के बाहर होती थी, तो वहां कुछ लोग इकट्ठा होते थे और वो पीते थे। शंकर ने उनकी नशे से धुत हालत देखी। उन्होंने शंकर को देखा, वो एकदम सीधा देखते थे। आप जानते हैं, शराबी हमेशा सोचते हैं कि वे सबसे अच्छा समय बिता रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। वे हमेशा सोचते हैं कि वे अपने जीवन में सबसे अच्छा समय बिता रहे हैं, और बाकी हर कोई उससे चूक रहा है। तो उन्होंने कुछ टिप्पणियां की। एक शब्द बोले बिना शंकर दुकान में गए। वहां ताड़ी का एक घड़ा रखा था।
उन्होंने बस उसे उठाया और पी लिया और वापस रखकर फिर चल पड़े। तो शिष्यों ने देखा कि उनके गुरु एक पूरा घड़ा ताड़ी पी गए। फिर उन्होंने तेज चलना शुरू कर दिया, उनके पीछे शिष्य भी चल पड़े। उनके बीच चर्चा हुई, जब हमारे गुरु पी सकते हैं तो हम क्यों नहीं पी सकते। उन्हें बस एक बहाने की जरूरत थी। तो वे ये चर्चा कर रहे थे और वो जानते थे कि क्या हो रहा है, तो वो अगले गांव आ गए। वे भी पीछे चल रहे थे। वहां एक लोहार पिघले हुए लोहे के साथ काम कर रहा था। वो बस गए, उसे उठाया और पी गए और फिर आगे चलने लगे। शिष्य जानते थे कि उन्हें ये नहीं पीना है। तो अगर शिव धूम्रपान भी करते थे, मुझे नहीं लगता कि वो करते थे। वो निश्चित रूप से मदहोश थे, मगर भांग और गांजे जैसी तुच्छ चीज से नहीं। वो मदहोश जरूर हैं, इसमें कोई प्रश्न नहीं है, हमेशा। चाहे वो धूम्रपान करते भी थे, तो क्या आप वे सब चीजें कर सकते हैं जो वो करते हैं, मैं पूछ रहा हूं। इसके योग्य बनने के लिए अगर आप 3 महीने स्थिर बैठ सकते हैं तो मैं आपको वो पदार्थ दूंगा। तो लोगों का ये सोचना कि गांजा पीना और थोड़ा नशे में महसूस करना, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका दिमाग थोड़ा धुंधला पड़ रहा है। अगर धुंधलापन होना आध्यात्मिक है, फिर मैं आध्यात्मिक नहीं होना चाहता। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है कि यह एकदम स्पष्ट है, यह जीवन जीने का तरीका है। धुंधलापन होना जीवन नहीं है, वो मृत्यु में होता है। हाँ, जीवन उस समय धुंधला होगा जब आप बीमार हों और मर रहे हों, तब जीवन धुंधला होगा। जब आप जीवित हैं, क्लैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो स्पष्टता सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, और स्पष्टता नशीली हो सकती है। जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो बहुत सजग होता है, तो आप पाएंगे कि उसमें एक नशा है। आपके ख्याल से इतने सारे लोग पहाड़ों से कूदते हैं, हवाई जहाजों से कूदते हैं, काफी खतरनाक चीजें करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें एक अलग तरह का नशा होता है, मगर वे कई सारी शारीरिक चीजें करते हुए उसे करते हैं। अगर आप यहां बैठकर ऐसा कर सकें, तब मैं कहूंगा कि शिव का एक तत्व आपके अंदर आ गया है। अगर आप सिर्फ यहां बैठकर सुपर अलर्ट हो सकते हैं, इतने अलर्ट कि आप मदहोश हों, वही मदहोश होने का तरीका है। वीड पीना नहीं, उसे गाय के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। इंसान बेहतर चीजें कर सकता है, और आज पूरी दुनिया उसकी बात कर रही है क्योंकि उन्हें कोई दूसरा बेहतर तरीका नहीं मिला है। इस पर अच्छा खासा शोध है। वे कहते हैं कि व्यक्ति की आईक्यू में 8 पॉइंट की कमी आ सकती है। आपको किसी शोध को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो लोग आम तौर पर इस धूम्रपान के आदि होते हैं, अगर आप उन्हें देखें, वे शांत दिखने का नाटक करते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें 2 दिन तक नशा मत दीजिए, आप देखेंगे कि वे कितने चिड़चिड़े हो जाते हैं। हाँ, हर दिन अगर आप उन्हें खुराक दे दें, वे बढ़िया रहेंगे, शांत रहेंगे। जब आप अस्पष्ट होते हैं तो आप शांत रहते हैं, लेकिन उसकी शांति का कोई मूल्य नहीं है। और एक चीज, अगर आप 3 दिन उन्हें नशा मत दीजिए, आप देखेंगे कि वे आग बबूला हो जाएंगे। वे शांतिपूर्ण नहीं रहेंगे अगर आप उनसे नशा छीन लें। आज अमेरिका के कई स्टेट्स में यह कानूनी हो गया है, कई बड़े कॉरपोरेट उसमें घुस रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप नहीं जानते कि अपने दिमाग को कैसे संभालें, जो आपका बनाया हुआ नहीं है। पिछली पीढ़ियां विकसित हुई हैं और यहां तक पहुंचे हैं, और आप नहीं जानते कि इसे कैसे संभालना है। आप उसे नशे से थोड़ा धीमा करना चाहते हैं ताकि वो शांत लगे। ये जवाब नहीं है। अगर आप कुछ समय के लिए नशा रोक दें, फिर आप देखेंगे कि आपकी शांति उड़ जाएगी। किसी भी रसायन में कुछ आध्यात्मिक नहीं होता।
अगर आपको पागल होने के सिवाय अपने दिमाग के लिए कोई बेहतर इस्तेमाल नहीं मिला है तो मैरिजुआना आपके काम आ सकता है। कम से कम आप किसी को तंग नहीं करेंगे, आप नशे में होंगे और बस कहीं बैठे रहेंगे। अगर आपने अपने दिमाग का कोई बेहतर इस्तेमाल पा लिया है कि आपका दिमाग कुछ सार्थक, कुछ रचनात्मक, कुछ उपयोगी कर सकता है, फिर ये तरीका नहीं है।